अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन बड़े ही भव्यता और बेहद खास स्वरूप में तैयार किया जा रहा है। हम इस वक्त इस रामकथा पार्क पर हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन के सहित उनका राज्याभिषेक किया जाएगा, जिसके लिए पूरी तरह तैयारी की जा रही है। देखिए किस प्रकार से पूरे इस स्थल को जो है एक राजमहल की तरह सजाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो दीपावली है, दीपोत्सव का जो आयोजन है, बड़े ही भव्यता के स्वरूप दिया जाएगा। भगवान राम ये बगल में स्थित हेलीपैड पर जो अपने पुष्प विमान से उतरेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल इस स्थान पर उन्हें लेकर आएंगे और यहाँ पर उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। लेकिन इसके पूर्व अयोध्या के सड़कों पर श्री राम झांकी निकाली जाएगी, जिसमें लगभग रामायण के प्रसंगों पर तैयार किया गया है, लगभग 11 झांकियों को तैयार किया गया है, उसको साकेत महाविद्यालय से निकाली जाएगी और जो रामकथा पार्क तक पहुंचेगी। लेकिन और इसके साथ ही जो है अयोध्या की जो सरयू घाट है, राम की पैड़ी है, उस पर 9 लाख दीप जलाए जाएंगे और 9 लाख दीप जलाए जाने के साथ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया जाएगा, जहां लेजर शो, आतिशबाजी सहित तमाम कार्यक्रम भी राम की पैड़ी पर आयोजित होंगे। लेकिन जिस प्रकार से इस बार जो दीपोत्सव का जो आयोजन है, कहीं ना कहीं बेहद खास आयोजन है और इसको लेकर पूरी तरह तैयारी की जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो है इस बार दीपोत्सव का जो आयोजन किया जाना है, इस दीपोत्सव के आयोजन के माध्यम से भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ने वाले हर एक लम्हों हर एक पलों का जो इस यहाँ पर दिखाया जाएगा और ये रामलीला, विदेशी रामलीला सहित तमाम आयोजन हैं जो यहाँ पर किए जाने हैं। अयोध्या में इस बार जिस प्रकार से अयोध्या भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे में इस बार का जो दीपोत्सव है, बड़ी भव्यता के साथ किया जाएगा। देश विदेश तक इसे लाइव टेलीकास्ट भी कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो इस दीपोत्सव का जो तैयारी है, बेहद खास स्वरूप में तैयार किया जा रहा है। पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, 30 गेट बनाए जाएंगे, श्री राम गेट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही तमाम ऐसे जो प्रमुख मठ मंदिर हैं, उन स्थलों पर भी तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से लोगों को संदेश देने का काम भी होगा। रामनगरी अयोध्या में 5वें दीपोत्सव की तैयारी की जा रही है। इस वर्ष होने वाले दीपोत्सव बेहद खास रूप में दिखाई देगा। साकेत महाविद्यालय से शोभा यात्रा निकाली जाएगी तो वहीं रामकथा पार्क पर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होगा। जी शाम राम की पड़ी पर 9 लाख दीप जलाए जाएंगे, जहां एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया जाएगा। इस दौरान तरह तरह के आयोजन भी, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इसको लेकर तैयारी तेज कर दी गई है, जल्द ही इन तैयारियों को पूरा कर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। विभागों के साथ आए हुए यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और तैयारियां हमारी पूरी चल रही है। 31 तक पूरी तैयारी हो जाएगी और संबंधित को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि समयबद्ध रूप से तैयारी कर लें और अपना सभी विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करेंगे और उसमें स्ट्रक्चर जो है बना रहे हैं और स्टॉल्स वगैरह लग रहे हैं, सब कुछ तो सबको बता दिया गया है और इसके अनुसार तैयारी बेहतर हो जाएगी हम लोग की। जिसमें सभी के लिए दिए निर्धारित हैं कि 60-65 दिए पर एक बंदे होंगे, उसके अनुसार जितने लोग लगने होंगे, सभी वॉलंटियर्स हैं और पूरी टीम तैयार है, कॉलेज की टीम तैयार है और उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कर लेंगे। अयोध्या से प्रभात साक्षी के लिए।